Hello students, how are you? I hope that you are fine and safe and your study is going well. In my previous video, I have taught you about power of accommodation of eye under chapter human eye and the colorful world. Today, I am going to explain the next topic, that is far point. And near point of eye. Okay. So हम जानते हैं जो हमारी आँख है उसका अपना एक power of accommodation होता है, यानी कि वो object के according जो है अपने फोकल लेंथ को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। और उसका जो इमेज है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, वो रेटिना पे क्लियरली जो है फॉर्म करना शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारी आँखें हैं उसकी भी अपनी क्या है, एक लिमिट है कि वो जो है उसके अंदर जो है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आता है तो उसका जो है इमेज क्लियरली हमारी आंखों में नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो देयर इज अ लिमिट बियॉन्ड विच फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज्ड एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर इज अ लिमिट ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, ठीक है। इस तरह से जो आई का पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है उसकी एक लिमिट होती है। जो एक नॉर्मल आई होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर के बीच, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है 25 सेंटीमीटर पे सिचुएट कर रहा है तो उसको जो है आसानी से देख सकता है। तो इसकी लिमिट क्या हो गई, हमारी आंखों की जो लिमिट हो गई वो क्या हो गई, 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी डिस्टेंस तक हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं बाय यूजिंग द पावर ऑफ एकोमोडेशन। जो मिनिमम डिस्टेंस है एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन डिस्टिंक्टली विदाउट कॉजिंग स्ट्रेन ऑन आईज नोन एज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि वह मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आई है वो क्लियरली देख सकता है, उस मिनिमम डिस्टेंस को हम जो है क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। यानी कि इस डिस्टेंस पे आई पे कोई भी प्रेशर नहीं पड़ता है, यानी कि नॉर्मली जो है उसको आसानी से देख सकता है और हमारे आंखों पे जो है प्रेशर नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम उस लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से और करीब जो है उस ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो हमारी आंखों पे जो है प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, और अगर काफ़ी देर तक देखें तो हमारे आंखें जो है दर्द करना शुरू कर देती हैं, आंखों से पानी भी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई डी, ओके। और इसको, इस लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को हम क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट कहते हैं, यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को हमारी आंखें जो है क्लियरली जो है देख सकती हैं विदाउट एनी स्ट्रेन, ठीक है। फॉर अ यंग एडल्ट पर्सन विद नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज सिचुएटेड एट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, ओके। सो एक एडल्ट और जो नॉर्मल पर्सन है, यंग पर्सन है, उसका जो है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या नियर पॉइंट कह सकते हैं वो क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। यानी कि कोई भी यंग पर्सन अगर उसकी आई जो है नॉर्मल है, कोई डिफेक्ट नहीं है,
तो जो है वो 25 सेंटीमीटर तक अगर कोई ऑब्जेक्ट सिचुएट है उसकी आंखों के सामने, तो उसको जो है विदाउट एनी स्ट्रेन वो जो है उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है उसकी आंखों पे क्लियरली, उसकी आंखों में या उसकी रेटिना पे जो है क्लियरली जो है बनेगा। ठीक है, अब फार पॉइंट की बात करते हैं। तो द फार्थेस्ट पॉइंट अप टू विच एन आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट, यानी कि वह मैक्सिमम दूरी जहां तक ह्यूमन आई जो है क्लियरली किसी ऑब्जेक्ट को देख सकता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फार पॉइंट कहते हैं। तो एक नॉर्मल एडल्ट यंग पर्सन का जो जो फार पॉइंट होता है दैट इज इन्फिनिटी, यानी कि एक नॉर्मल पर्सन या यंग एडल्ट पर्सन जो है का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, यानी कि वो इन्फिनिटी डिस्टेंस तक किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है। ठीक है, सो वी कैन से दैट द डिस्टेंस बिटवीन द नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेंज ऑफ विजन, यानी कि जो भी डिस्टेंस होता है जो नियर पॉइंट है और फार पॉइंट के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ विजन। ठीक है, और नॉर्मली जो रेंज ऑफ विजन होता है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, किसी भी नॉर्मल या यंग एडल्ट पर्सन के लिए जो है जो रेंज ऑफ विजन होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी कि वो मिनिमम जो है 25 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को और मैक्सिमम जो है इन्फिनिटी डिस्टेंस तक प्रेजेंट ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली देख सकता है। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।